इतनी रात को यहाँ कौन घूम रहा है? मैंने तो लाइट बंद की थी। कौन है? सलोनी, वहाँ पे कोई नहीं है ना? कोई नहीं है वहाँ पे? ओके नहीं, अभी मैंने केटी को वहाँ देखा था। अभी देखो सलोनी, वहाँ कोई नहीं है। देखो तुम्हें आराम की जरूरत है, तुम ऊपर चलो। ओके कम रिलैक्स, ओके कम, कुछ नहीं हुआ है। ओके चलो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। कम ऑन। ये क्या है सलोनी? ये भी कोई वक्त है आने का? 10 बज रहे। कभी कभी तो मुझे लगता है कि मैं ही तुम्हारी असिस्टेंट हूँ। I'm really sorry, ma'am. वो कल रात एक्चुअली मेरे घर में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, पर लेकिन सलोनी, तुम्हें पता था ना कि आज तुम्हारी मीटिंग क्वीन होटल के चेयरमैन के साथ थी? वो लोग हमें होटल के इंटीरियर का पूरा कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं। I'm really sorry, ma'am. वैसे कल रात हुआ क्या था? एक्चुअली हमारे उस मकान में जो दूसरे किरायेदार रहते हैं ना, उनको लेकर कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। मैम, 11:30 बजे की मीटिंग है, मुझे निकलना चाहिए। उसके जैसे लेते हुए जाना और मिस्टर सार्थिक का कार्ड भी। थैंक यू मैम।
कौन सलोनी? क्या हुआ? नीता, नीता मुझे बहुत डर लग रहा है। डर? किस बात का डर? कल रात मैंने उसे देखा था। किसे? केडी को। केडी को? लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? केडी की तो मौत हो चुकी है ना? मैं जानती हूँ नीता। कर देता हूँ, ओके? ये लीजिए, म्यूजिक कम कर दिया, ओके? अभी म्यूजिक कम नहीं, म्यूजिक बंद कर दो, मैंने कहा है, समझ में आ रही है बात? हाँ, म्यूजिक कम कर दिए ना, चलिए। अरे तुम चुप रहो, ये हो क्या रहा है यहाँ पर? है दोस्तों के साथ रात रात भर पार्टी मनाई जा रही है, शरीफ आदमियों के सोने का कोई ठिकाना ही नहीं है। देखिए केडी साहब, म्यूजिक कम कर दिया ना। कम नहीं, अभी मैं कह रहा हूँ तुम म्यूजिक बंद कर दो, बंद। अगर तुमने म्यूजिक बंद नहीं किया तो मैं तुम्हारे खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट करवा दूंगा, तुम्हारा सामान उठा करके बाहर फेंकवा दूंगा, यू अंडरस्टैंड? चलिए ना। हाँ चलते हैं, म्यूजिक बंद कर देना एकदम, समझ क्या रखा तुमने? परेशान कर दिया साथी ने, जैसे आया हूँ लगता है घर पे नहीं, किसी बोर्डिंग स्कूल में रह रहा हूँ। I'm really sorry guys, अपना ही घर जेल लगने लगा है, जस्ट जब से ये लोग यहाँ रहना, कब से आए हैं ये लोग यहाँ रहने? 2 महीने से, मगर ऐसा लगता है जैसे कि 2 सालों से हमारे साथ रह रहे हैं। हमारे मकान मालिक ने ये आधा घर उन्हें किराए पर दे दिया था, अब हमें इन्हें झेलना ही पड़ेगा। देखो दीपा, अगर दोबारा इन लोगों ने शोर मचाया ना तो तुम मुझे ऑफिस में फोन करना, फिर मैं खबर लेता हूँ। समझा क्या इन्होंने? इनको ये घर खाली करना पड़ेगा, ओके? हाँ। ठीक है, हाँ? अरे ये म्यूजिक सिस्टम अपने आप से ऑन हो गया। Thank you.
दीपा। मैं अभी इस घर में नहीं रहूंगी। क्यों? ये घर हॉन्टेड है, यहाँ बुरी आत्माएं रहती है। क्या बात कर रही हो तुम? मैं सच कह रही हूँ केनी, मैंने यहाँ अजीब अजीब सी आवाजें सुनी है। कैसी आवाजें? पायल की आवाज। हाँ केनी, और मैंने एक लड़की भी देखी, उसके हाथ में एक लालटेन था। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया दीपा। सुनो सुनो, फिर वही पायल की आवाज। सुना सुना आपने? देखना, थोड़ी देर में आपको वो लड़की भी नजर आएगी। जाने नहीं दूंगा तुम्हें। कौन हो तुम? हेलो सलोनी। हाँ सलोनी। हाँ नीता, मुझे लगता है कि कुछ बहुत भयानक होने वाला है। सलोनी, कुछ नहीं होने वाला है, मुझे लगता है तेरे साथ कोई मजाक कर रहा है। भगवान करे ऐसा ही हो। मैडम को यहीं आना था ना? हाँ यहीं आना था ना। नीता, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। सार्थक साहब 5 मिनट के बाद मिलेंगे। ओके। आवाज, ये तो वैसे ही आवाज है जिससे हमने मिसेस खेड़ी को डराया था। कौन है? सर, एक लड़की गाड़ी के नीचे आकर मर गई है।
आप लोगों में से कोई जानता है इस लड़की को? इंस्पेक्टर साहब, ये एक इंटीरियर डेकोरेटर है और मुझसे मिलने आई थी। आपसे मिलने के लिए? पता नहीं क्या हुआ, अचानक ये जोर जोर से चीखने लगी और फिर तेजी से घर से बाहर निकल कर भाग गई। लेकिन कुछ तो बात हुई होगी, आपने कुछ कहा होगा इससे? मेरी उससे कोई बात नहीं हुई, जैसे मैं हॉल में गया वो अचानक जोर जोर से चीखने लगी और जब तक मैं उससे कुछ भी पूछता तब तक ये बाहर भाग चुके थे। हाँ सर, और अचानक मेरी कार के सामने आ गई और ब्रेक लगाने का समय नहीं मिला और जोर जोर से चीख रही थी और बहुत डरी हुई थी। चलो हटिए भाई, हटिए, आप लोग पीछे हट जाओ, पीछे चलो, हट जाओ सब लोग। आओ अभी कुछ खा लो, दो दिन से तुमने कुछ नहीं खाया, ऐसे करोगे तो बीमार पड़ जाओगे। देखो सलोनी के साथ जो हुआ वो, तुम प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो, प्लीज जस्ट गो, मैं अकेला ना चाहता, तुम प्लीज जाओ यहां से। अभी फोन बज रहा है, अभी तुम्हारा फोन बज रहा है, ठीक है मैं देखती हूँ। सलोनी, सलोनी, सलोनी रुको।